नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुफ्त अनाज वितरण का लाभ उठाए कार्ड धारक, मौतें छिपा रही गुजरात सरकार, यूपी के जेल में हुआ शूट आउट। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। मुफ्त अनाज वितरण का लाभ उठाए कार्ड धारक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र व जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को कोरोना काल में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार चाहती है कि स्वयंसेवी संगठन इसको लेकर लोगों को जागरूक करे। गुरुवार को खाद्य व आपूर्ति विभाग के नियंत्रक व निदेशक कैलाश पगारे ने स्वयंसेवी संगठनों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान पगारे ने कहा कि माझे राशन माझा अधिकार मंच के तहत लाभार्थियों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी 10% पात्र राशन कार्ड धारक अनाज नहीं ले रहे हैं। पगारे ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के गरीब व जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से घोषित आर्थिक सहायता के तहत अंत्योदय अन्न योजना व प्राथमिक परिवार जैसे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में अनाज दिया जाना है। तो वही दूसरी ओर मौतें छिपा रही गुजरात सरकार। गुजरात में कोरोना के नए मामले और मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर जैसे जिलों में ऐसे हालात हैं कि शिव गृहों में लाइन लग रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोरोना से मरने वालों के सही आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रही है। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक इस साल मार्च महीने में ही राज्य में 26,2600, अप्रैल में 57,790 और मई महीने की शुरुआती 10 दिनों में ही 40,051 मौतें हुई है। अब इन आंकड़ों की तुलना 2020 से करें तो मार्च 2020 में 23,352, अप्रैल 2020 में 21,590 और मई 2020 में 13,125 मौतें दर्ज की गई थी। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल के 70 दिनों में ही मरने वालों के आंकड़ा 2 गुना हो चुके हैं। तो वही तीसरी ओर यूपी के जेल में हुआ शूट आउट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में शुक्रवार को कैदियों के बीच गोली चल गई। इसमें पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मेराज और बदमाश मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी। मेराज बनारस जेल में भेजा गया था, जबकि मुकीम काला सहारनपुर जेल से लाया गया था। घटना की सूचना पर पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अंशुल दीक्षित को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वह लगातार फायरिंग करता रहा। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंशु भी मारा गया। वही घटना की जांच और जेल के जायजा लेने के लिए प्रभारी उप अधिकारी महानिरीक्षक कारागार इलाहाबाद रेंज पीएम पांडे रवाना हो चुके हैं। जेल में तलाशी कराई जा रही है। जिला अधिकारी और एसपी मौके पर मौजूद है। फिलहाल जेल में शांति और स्थिति नियंत्रण में है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।